हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। माइंड में रखिए, ये दो नाम है इसके, एक गैसियस वॉल्यूम के लिए है और एक प्रेशर के लिए है। वो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कर रहे हैं गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ऑब्वियस है किस साइंटिस्ट ने दिया होगा, दैट इज नोन एज अ गे लुसेक। सिंपल लॉ है, क्या कहता है कि दो कंडीशन आपने कांस्टेंट रखनी है, दैट इज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों कंडीशन शुड बी कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट कंडीशन के ऊपर जब आप गैसेस को रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट ही बनाए, अगेन आई से कि रिएक्टेंट भी गैसेस हो और प्रोडक्ट भी गैसेस हो, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। बहुत सिंपल सी बात कही है, हम इसको बाय एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक H2 गैस है, एक Cl2 गैस है और दे फॉर्म HCl, बैलेंस कर दिया, दैट इज 2HCl। वैसे HCl का नेचर लिक्विड होता है बट आपने लाइक टेम्परेचर हाई रखा हुआ है तो यू हैव गैसियस नेचर ऑफ HCl, ऑल आर गैसेस। तो उनके वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज ऑफ लेट एनी यूनिट, वन वॉल्यूम हम रेफर कर सकते हैं, वेदर इट इज 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हो, डिपेंडिंग अपॉन दीज कोफिशियंट्स हम इसका वॉल्यूम 1 सुपोज कर रहे हैं। तो इसका भी कितना होगा, 1 वॉल्यूम, लेट भी 1 लीटर है, और इसका कितना होगा, 2 वॉल्यूम या फिर 2 लीटर, 2 मिलीलीटर, 2 सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी यूनिट इसका लाइक कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये 1 लीटर ही होगा, वी आर सिंपली सेइंग इट इज 1 वॉल्यूम, इट इज 1 वॉल्यूम, इट इज 2 वॉल्यूम। तो अब देखने इनका रेशियो, तो रेशियो क्या आ गया, 1:1:2, विच इज क्वाइट सिंपल होल नंबर रेशियो। एक बात यहां पर याद रखना कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, वाई, बिकॉज इट मीन्स क्या होगा कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइंड विद 2 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ HCl, जो बिल्कुल रॉन्ग है। तो जिस तरह से आपने ये वॉल्यूम मेंशन किया है, रिएक्शन किया है, उसी तरह से ही ये रेशियो आप दोगे जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो दिमाग में दोबारा से हम डेफिनेशन बिठाते हैं कि क्या है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्टिंग गैसेस का वॉल्यूम और गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ये हमारे साइंटिस्ट गे लुसेक ने हमें दिया है। एक और एग्जांपल लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, H2+O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O, बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो एज ए रिजल्ट 2:2। यहां पर भी H2O आप कहेंगे लिक्विड होता है तो टेम्परेचर रेज कर दो, एज ए रिजल्ट ये स्टीम फॉर्म में आ जाएगा, वेपर में आ जाएगा, दैट मीन्स गैसियस स्टेट। ये तो होती ही गैसियस हैं, और दैट टाइम ये नहीं है कि सिर्फ इसका टेम्परेचर राइज किया, वी हैव सेट कि टेम्परेचर प्रेशर सेम कॉन्स्टेंट फॉर दिस वन, फॉर दिस वन, फॉर दिस वन, तीनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन होनी चाहिए। तो रेशियो अब कितना आ गया, 2 वॉल्यूम ऑफ दिस वन, इसका वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 2:1:2। दिस इज गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और द गैसियस वॉल्यूम।